विद्यार्थी हो RCHM 500 की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में मात्र पढ़ेगा। आज हम मात्र क्या होते हैं, क्योंकि देखो हमने पहले से भी पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ और जो मात्र की बेसिक चीज होती हैं, पहले हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी, राशियाँ बल है, जैसे 7 मूल राशियाँ होती हैं। फिर हमने पढ़ेंगे कि भाई 7 मूल राशियां या कभी फिर मात्रक पढ़ेंगे, मात्रक क्या होता है। देखो अभी तक आपने 10th पास आउट किया है, अभी तक आप ये जानते केवल कि भाई कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और किलोग्राम जो है, यानी कि हम अगर द्रव्यमान को वजन को मापते हैं किलोग्राम मापते हैं। पर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा कि भाई ये चीज है क्या, मात्रक क्या है, उसको हम डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, कैसी परिभाषा देंगे मात्रक की, वो हम यहाँ से स्टार्ट होती है 11 क्लास से। वो इसमें बढ़ती है मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहा जाता है। दो मात्रक क्या है, किसी भौतिक राशि को पैसे आपने पढ़ा, अगर बल को मापना है, कार्य को मापना है, विस्थापन मापना है, समय मापना है, वेग मापना है, ये सब भौतिक राशि होती है। तो इनको मापने के लिए हमें कोई ना कोई एक भाई जो भी गवर्नमेंट है सबने एक इकाई फिक्स कर दी कि भाई इनको इसे मापना है। तो जो भौतिक राशियां होती है इनको मापने के लिए कोई ना कोई इकाई फिक्स की गई है। तो परिभाषा यही है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए या किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं। ये परिभाषा है क्या, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित किए गए मान को ही मात्रक कहते हैं, ये मात्रक की परिभाषा है। अब मात्रक भी मूल राशि की तरह दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये वैसे मोस्टली दो प्रकार के हैं, बस 3 तहत इसको होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। और वैसे इसका तीसरा प्रकार भी होता है। तो पहला जो प्रकार है इसका मात्रक का, वो होता है मूल मात्रक। सेकेंड प्रकार इसका आता है, वो आता है व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा जो प्रकार इसका वो आता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक ये 3 टाइप के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। क्योंकि जो राशियां हैं भौतिक राशियां, वो दो टाइप की होती हैं उसके आधार पर ही। अब देखो मूल मात्रक की हम बात करें तो वही सेम परिभाषा यहाँ पे है। अगर हम परिभाषा की बात करें इसमें कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो हम यहाँ परिभाषा दे सकते हैं इसकी, ऐसे मात्रक, ऐसे मात्रक जो जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं इसकी परिभाषा है। तो जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, हमने इसमें पहले भी वीडियो पढ़ा था कि भाई मूल राशियां जो 7 होती हैं, कितनी होती है 7, तो 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होंगे। हमने भी पढ़ा कि भाई जैसे ताप है, ताप मूल राशि है, ठीक है, इसका मात्र होता है सेल्सियस, सेल्सियस। और विद्युत धारा इसका मात्र होता है एम्पियर, एम्पियर। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा ज्योति तीव्रता इसका मात्र होता है कैंडेला, कैंडेला।
सीडी उसका होता है प्रतीक चिन्ह। चौथा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा वो इरासे होती है पदार्थ की मात्रा, और इसका होता है मोल, मात्रा होगा इसका मोल। आगे है समय, समय का मात्रा होता है सेकंड, जो मूल मात्रा है इसका वो सेकंड होता है। आगे है लंबाई, लंबाई का मात्रा होता है मीटर, मीटर होता है इसका। और इसके बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा होता है किलोग्राम, और केज इसका होता है प्रतिशत। ऐसे ही क्या है, सात मूल राशियां हैं, सात इनके मूल मात्रक होते हैं, जैसे सेल्सियस हो गया, एम्पीयर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, सेकंड हो गया, मीटर, किलोग्राम, ये सात मूल राशि सात इनके मूल मात्रक होते हैं। तो ये थे मूल मात्रक मूल राशियां। सेकंड प्रकार इसका है व्युत्पन्न मात्रक। अब इसकी बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें अपन कह सकते हैं कि भाई ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, या ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। देखो जैसे जैसे कार्य है, अब जानते कार्य व्युत्पन्न राशि होती है, कार्य मान क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है कार्य। अब देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन मात्रक क्या हो गया, मीटर। लोग मीटर मूल मात्रक है जो काम में आ रहा है, तो इस तरह से न्यूटन इंटू मीटर हो गया, ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। लास्ट तीसरा लास्ट का है पूरक मात्रक, ये दो होते हैं, एक रेडियन होता है, जो पूरक मात्रक है ये रेडियन, ये ठोस कोण जो घन कोण होते हैं उनको मापने में काम आते हैं, ये रेडियन होता है, तो रेडियन होता है आरडी, और एक होता है इष्ट रेडियन, इष्ट रेडियन एस आर, यानी ये ठोस कोण और घन कोण को मापने के लिए काम में आते हैं पूरक मात्रक। और मोस्टली काम ये आते हैं सात मूल मात्रक हो गए, ठीक है, और वितरण मात्रक बहुत सारे हैं, जैसे कार्य का मीटर हो गया, संवेग की अगर हम बात करें, संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब जो है वो वितरण मात्रक होते हैं। तो ये था अपना मात्रक के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको याद करेंगे समझेंगे। थैंक यू।